अब हम मजीद जान लेते हैं एफिशिएंसी रेशो की प्रॉब्लम के बारे में तो जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी स्पार्क लिमिटेड कंपनी की जिसके लिए तमाम डेटा जो है वो अवेलेबल था और रिक्वायरमेंट थी कुछ रेशोस कैलकुलेट करना जो कि तमाम एफिशिएंसी रेशोज थी जिनमें सबसे पहले थी स्टॉक टर्न ओवर रेशो फिर थी डेटर्स रेशियो अकाउंट रिसिवेबल टर्न ओवर रेशियो डे सेल्स इन इन्वेंट्री रेशियो क्रेडिटर्स रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल रेशियो इन रेशोस में से कुछ रिक्वायरमेंट्स कुछ रेशोज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी जिसमें स्टॉक टर्न ओवर रेशो थी जिसके थ्रू हमें यह पता चलता है कि कंपनी कितने टाइम पीरियड में या कितनी दफा साल में अपनी इन्वेंट्री को सेल करती है या वो कितनी दफा साल में अपनी इन्वेंट्री सेल करे तो उसकी तमाम इन्वेंट्री जो है वो बिक जाती है तो यहाँ पे आया था थ्री टाइम्स कि कंपनी तीन दफा अगर अपनी इन्वेंट्री बेचे तो उसकी तमाम इन्वेंट्री बिक जाएगी उसके बाद हमने देखी थी डेटर्स रेशो जिसमें हमने ये जाना था कि कंपनी कितने टाइम पीरियड में डेटर्स से अपना सारा पैसा वसूल कर सकती है उसके बाद थी क्रेडिटर्स रेशो जिसमें हमने ये सीखा था कि कंपनी कितने दिनों में अपने क्रेडिटर्स की तमाम पेमेंट वापस लौटा सकती है तो यहाँ पे अब जो रिक्वायरमेंट्स रह गई हैं जिनमें अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर ओवर रेशो है डे सेल्स इन इन्वेंट्री रेशियो और क्रेडिटर्स रेशियो है सॉरी वर्किंग कैपिटल रेशियो है इसको हम हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं अकाउंट रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो की कंपनी साल में कितनी दफा अपने अकाउंट रिसीवेबल से पैसे वसूल करे तो वो तमाम रिसीवेबल उसको उसके पैसे वसूल हो जाएंगे इसका ही मतलब हुआ कि कंपनी कितने दिनों में अपने रिसीवेबल से तमाम पैसा वसूल कर सकती है इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे सॉरी हमने ये देखना है कि कंपनी साल में कितनी दफा रिसीवेबल से पैसा वसूल करे तो उसका तमाम पैसा वसूल हो जाता है अब अगर नेट क्रेडिट सेल्स की बात की जाए तो क्वेश्चन में हमें यह बताया गया है कि जो टोटल सेल्स हैं, वो फोर्टी परसेंट कैश सेल्स और बाकी की रिमेनिंग परसेंट सिक्सटी परसेंट जो है वो क्रेडिट सेल्स तो हमने इस वैल्यू का सिक्सटी परसेंट कर लेना है जो कि आ रहा है नाइन हंड्रेड थाउजेंड तो हमने यहाँ पे क्या करना है नेट क्रेडिट सेल्स में नाइन हंड्रेड को लिख देना है और डिवाइड कर देना है एवरेज अकाउंट से अगर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स की बात की जाए तो वो बेसिकली ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय होता है जबकि यहाँ पे हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ और क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स या डेटर्स हमें अवेलेबल हैं जो के थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड रूपीज के तो जब भी कंपनी के पास डेटर्स ओपनिंग या क्लोजिंग में से सिर्फ क्लोजिंग अवेलेबल होंगे तो कंपनी उन्हीं क्लोजिंग डेटर्स को कंसिडर करेगी कि ये कंपनी के एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स है और इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि हमें ओपनिंग नहीं अवेलेबल तो हम क्लोजिंग को ही जो तीन लाख पचास हजार रुपए हैं इसी को कंसीडर कर लेंगे कि ये एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स हैं तो हमने 900000 रुपइस को डिवाइड कर देना है 350000 से तो हमें पता चल जाएगा कि रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है उसके लिए जब हम 9 लाख को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 350000 से तो हमें पता चल रहा है 2.57 मतलब 2.6 टाइम्स अगर कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल से पैसा वसूल करती है तो कंपनी अपना सारा पैसा वसूल कर लेगी मतलब ये पूरे साढ़े तीन लाख रुपए कंपनी कब वसूल कर लेगी जब कंपनी 2.6 टाइम्स बार बार अकाउंट रिसीवेबल से पैसे कलेक्ट करेगी सेल्स की सूरत में अब यहां तक रिसीवेबल टर्नओवर ओवर रेशियो को हमने देख लिया है उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने क्या करना है हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल रेशियो अब यहां पर वर्किंग कैपिटल रेशो को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वर्किंग कैपिटल रेशियो की अगर बात की जाए वर्किंग कैपिटल रेशो करंट रेशो भी कहलाती है इस करंट रेश्यो को हम ऑलरेडी लिक्विडिटी रेश्यो में भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कंपनी को क्या पता चलता है कि क्या कंपनी के एसेट्स इतने हैं कंपनी के करंट एसेट्स इतने हैं कि कंपनी की करंट लायबिलिटीज को मीट कर सके तो यहाँ पे इसलिए हम करंट एसेट को डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटीज के साथ अगर करंट एसेट्स की बात की जाए तो करंट एसेट्स में कंपनी के पास स्टॉक डेटर्स बिल रिसीवेबल और कैश आता है हमने यहां पे क्या करना है कि सबसे पहले तमाम करंट एसेट्स को लिख देना है करंट एसेट्स को लिखें तो स्टॉक डेटर्स बिल रिसीवेबल और कैश हमारे पास आ जाएगा फिक्टीशियस एसेट्स के बारे में हम पहले से जानते हैं की एक्चुअल कोई एसेट नहीं होता लेकिन कंपनी इसको एज एन कैश एक्सपेंस एसेट में रिकॉर्ड कर देती है तो यहाँ पे इसलिए फिक्टीशियस एसेट सेपरेट एसेट की कैटेगरी है उसको हम करंट में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे अब स्टॉक डेटर्स बिल रिसीवेबल और कैश की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे और करंट एसेट्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये करंट एसेट जब हमने कैलकुलेट किए ये आ जाएंगे एट हंड्रेड थाउजेंड रुपीज के उसके बाद हमने क्या करना है करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करना है तो अगर करंट लाइबिलिटीज को देखें तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स बैंक ओवर ड्राफ्ट बिल पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मौजूद है हमने इन तमाम जो लाइबिलिटीज हैं उनको यहाँ पर लिख देना है उसके बाद इनकी जो जो वैल्यू आ रही है जैसे कि एक लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं डेढ़ लाख रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट है फोर्टी फाइव थाउजेंड के बिल पेएबल हैं और फाइव थाउजेंड रुपीज के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हमने क्या करना है कि करंट लाइबिलिटी के आगे इन तमाम वैल्यूज को लिख देना है और इनको हमने ऐड कर देना है जब हम इनको ऐड करेंगे तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी तीन लाख रुपए की अब हमने क्या करना है कि करंट को डिवाइड कर देना है करंट लाइबिलिटीज के साथ तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी की एक लाइबिलिटी को कवर करने के लिए उसके कितने एसेट्स हैं जब हमने 800,000 को डिवाइड किया 300,000 से तो ये आगे वर्किंग कैपिटल रेशियो जो कि टू सेवन आ रही है इसका क्या मतलब है कि कंपनी की एक रूपए की लाइबिलिटी को कवर करने के लिए कंपनी के पास टू पॉइंट तो कर ली वर्किंग कैपिटल उसके बाद लास्ट जो रेशो बच गई है वो आती है डे सेल्स इन इन्वेंट्री रेशो मतलब कंपनी कितने दिनों में अपनी सारी की सारी इन्वेंट्री को सेल कर सकती है तो यहाँ पे डेज सेल्स इन इन्वेंट्री रेशो की अगर के अगर फार्मूले की बात की जाए तो वो कुछ इस तरह से है कि एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360 डेज अगर एवरेज इन्वेंट्री को देखें तो लास्ट वीडियो में हमने एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट की थी जो कि हमारे पास आ रही थी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद यहां पर 325000 के हम देख सकते हैं कि इन्वेंटरी जो थी वो ओपनिंग थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज की तो हमने क्या किया थ्री लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज में ऐड कर दिए वन लाख सेवेंटी थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज और डिवाइड कर दिया टू से तो ये टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का एवरेज स्टॉक आ गया जिसको हमने यहाँ पे ए एस लिखा हुआ है अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो एवरेज इन्वेंट्री है उसकी जगह लिख देना है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज और अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को देखा जाए तो वो क्वेश्चन में अवेलेबल है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज की, जिसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर देना है और अगर डेज देखे जाए तो थ्री सिक्सटी डेज है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कंपनी जो है वो तीन सौ साठ दिन एक साल के कंसिडर करती है कंपनी की ये पॉलिसी है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डेज। मतलब कंपनी पूरे साल में अगर 120 दिन अपनी इन्वेंट्री को सेल करती है तो कंपनी की तमाम इन्वेंट्री बिक जाएगी तो इस तरह से हमारे पास जितनी भी रेशोज थी एफिशिएंसी रेशोज उनको हमने कैलकुलेट कर लिया है और तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर ली है तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि एफिशिएंसी रेशियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और हमने स्पार्क लिमिटेड कंपनी के लिए तमाम तरह की एफिशिएंसी रेशो कैलकुलेट कर ली